हे व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, पीजीटी सीएसआईपी दोनों की प्रिपरेशन चल रही है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारा चल रहा है और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स, कुछ बिल्ट इन ऐसे फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं। एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारे पास जो जो गिवन फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं बिल्ट इन, उनको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले, सर्वप्रथम जो हमारे पास में आता है, दैट इज लेन फंक्शन। इसका काम क्या है कि लेंथ को कैलकुलेट करना। जैसे कि मान लो एक कार है, मुझे बनानी तो नहीं आती, लेकिन अरे कार की जगह मैं सोच रही थी कि टीचिंग में काफ़ी साल हो गए तो लवजीत तेरी थोड़ी बहुत ड्राइंग तो सही हो गई होगी, लेकिन शुक्र है मैंने ये शब्द पहले नहीं बोला, है ना। तो ये मेरी एक कार है, ठीक है। इस कार के अंदर चार जने बैठे हुए हैं, ठीक है। एक को यहाँ बिठा देते हैं, ओके। तो अब मैंने किसी बच्चे को बोला कि भाई, या किसी को बोला कि भाई इस कार के अंदर कितने जने बैठे हैं, काउंट करके बताओ। तो उसने कहा चार जने। तो वही चीज, अब इस कार की जगह मैं यहां पर लेती हूँ LOVEJEET। अब बच्चे की बजाय मैं ऑफकोर्स एक फंक्शन यूज करूंगी, विच नेम इज लैन फंक्शन। अब इसमें मेरा आंसर क्या आएगा जी, आठ। तो इस फंक्शन का रिटर्न जब भी आता है वो एक इंटीजर आता है, एंड दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। इसका मिनिमम आंसर जीरो आ सकता है, क्योंकि किसी की लेंथ जीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा लेंथ कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल हियर, जैसे मैंने कहा आई डी ऑफ ए, एंड जैसे मैंने कहा ए इज इक्वल टू पूनम, so my answer which is coming this, okay, sorry, मैंने लैन कैसे नहीं लिखा, आई डी कैसे लिखा, okay, six. So instead of that, if we have a list, then also our output will be a positive integer. तो लैन फंक्शन आपका काम कर देता है ट्यूपल, डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग सबकी लेंथ कैलकुलेट करके देगा, एंड ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा। टाइटल, नाम से काम के बारे में पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, टाइटल में कन्वर्ट करके दे देगा आपकी एक स्ट्रिंग को। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक लिखा, मैंने कहा माय नेम इज लवजीत, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। मैंने कुछ कैपिटल कुछ ऐसे लिख दिया, ओके। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, ए डॉट टाइटल फंक्शन यूज कर रही हूँ, और आप देखिए मेरे पास जो आउटपुट आएगा दैट इज कमिंग टाइटल की तरह। ओके, इंडिसेस, इंटीजर्स, ओ माय गॉड, दैट्स माय बैड, मैंने इसको डिलीट नहीं किया। ओके, सो लाइक हाउ माय आउटपुट इज कमिंग, माय नेम इज लवजीत। तो आपको क्या चीज समझ में, आपको ये चीज समझ में आई कि पहला जो कैरेक्टर है हर वर्ड का दैट इज कमिंग कैपिटल, बाकी देखो मैंने टी कैपिटल दिया था या एम, सब स्मॉल में हो जाए। इट इसमें स्पेस ही नहीं, अगर मैं यहाँ परसेंट और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के मैं कह दूं आई हैश लव परसेंट पाइथन, ठीक है, और लव का एल छोटा कर देती हूँ, इसमें मान लो ई बड़ा कर दिया और इसमें पी छोटू कर दिया। अब मैं अगर इसको रन करती हूँ ना, तो इट डजेंट मीन कि आप एक स्पेस की ही बात कर रहे हो, जहां से भी एक वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसका जो पहला कैरेक्टर है दैट यू कैन सी हेयर विच इज कमिंग कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? टाइटल फंक्शन से क्या होगा, हर वर्ड का एक सेंटेंस के अंदर हर वर्ड का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में होगा। इवन अगर आपने कैपिटल दे रखा है तो भी वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकी है, ठीक है, एक सेकेंड, हमारी फोटो तो सही आ रही है ना, ओके, माइक भी सही चल रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पर आते, कहते हैं कि रिटर्न द स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग इन अपर केस, रेस्ट सब कुछ स्मॉल के अंदर हो जाएगा। जैसे इसमें हेलो वर्ल्ड है, तो हेलो का एच, वर्ल्ड का डब्ल्यू, एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी स्मॉल, ठीक है, ये टाइटल है। अब लोअर और अपर, एंड एक और होगा इज लोअर इज अपर, यहीं पर है, अरे यार, इज लोअर इज अपर, इन चारों को मैं एक साथ बताती हूँ, क्योंकि जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो सब एक साथ ही आ जाओ, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, मैं एक चीज करती हूँ, मैंने यहां पर लिखा अपर, ठीक है,
ओके अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट. मैंने कहा ए डॉट इज अपर. याद रखिए जिस भी फंक्शन के आगे इज लगा है वो आप सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि आपको उससे या तो ट्रू आंसर आएगा और या फिर आपको उससे फॉल्स आंसर आएगा. ठीक है, आप पूछ क्या रहे हैं उस बेसिस पर ट्रू या फॉल्स कहेगा. जैसे आप इज अपर, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि वो सब अपर है कि नहीं है, तो है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स. तो अगर आप इसको रन करते हैं तो ऑफकोर्स इसमें तो फॉल्स आना ही था क्योंकि वहां स्मॉल लेटर्स भी हैं. अब ऊपर वाला देखो कन्वर्ट कर रहा है. गाइज बात को ध्यान से सुनिए, इज अपर आपको सिर्फ चेक करके बता रहा है एंड अपर कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ. ठीक है, तो वो आपका टेम्पररी बेसिस पर हम इसको रिसीव करा सकते हैं किसी और वेरिएबल के अंदर, है ना. ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से उसने आपको बता दिया, मतलब कन्वर्ट करके दे दिया अपर में, और यहाँ पर आप सिर्फ चेक कर रहे हो कि इज दैट अपर और नॉट. आगे बहुत सारे फंक्शंस होंगे जिनके अंदर हम इनको यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा कोमल, तो सब कुछ किसमें कैपिटल में है, ऑफकोर्स इसके इसमें ट्रू आएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई स्पेशल सिंबल कॉमा या स्पेस भी दे देती हूँ तो भी ट्रू आएगा, बट जैसे ही मैंने ए बी सी डी का छोटू दे दिया तो उसको फिर इससे दिक्कत होगी, बिकॉज ये सिर्फ ये चेक करेगा कि अपर है या लोअर है. ठीक है, तो इसको एबीसीडी से तात्पर्य है कि भाई वो अपर या लोअर है कि नहीं है, तो मतलब अपर इज अपर में तो ऑफकोर्स अपर ही होगा. इन द सेम केस वी हैव अ फंक्शन विच इज लोअर. ठीक है, अब लोअर फंक्शन के साथ मैं इज के साथ अगर लोअर लिखूंगी तो ऑफकोर्स ऊपर वाला लोअर में सारा कन्वर्ट करेगा, नीचे वाला ये चेक करेगा कि वो लोअर केस में है कि नहीं. तो ऑफकोर्स आपके पास फॉल्स फॉल्स आया, अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो ऑफकोर्स यहाँ ट्रू आता और ऊपर वाला आपके पास में लोअर में ही कन्वर्ट हो जाता. जैसे मैंने कहा कोमल, ऑफकोर्स इसमें आपके पास फॉल आएगा, फॉल्स आएगा, लेकिन यहाँ पर आप तो इसको कन्वर्ट कर चुके होंगे स्मॉल के अंदर. तो दोनों में मतलब पता चला, इज जहां पर भी लगा होगा ना जिस भी फंक्शन में वो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर दे. ठीक है, तो लोअर आपको क्या करता है, कहाँ है हमारा पेन, रिटर्न अ स्ट्रिंग विद ऑल अपर केस, कन्वर्ट कर देगा. तो ये हेलो वर्ल्ड जो छोटू में लिखा था, चाहे इसमें कैपिटल भी था इंक्लूड, सब कुछ आपका छोटू में आ जाएगा. अब अपर के अंदर सब कुछ छोटू बड़ू दोनों में लिखा था तो ये कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा. काउंट क्या करेगा, काउंट आपके पास में काउंट करके देगा. ठीक है, क्या काउंट करके देगा, जो भी आपने पूछा है काउंट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ठीक है ऐसा. अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ प्रिंट, मैं कहती हूँ पी डॉट काउंट एंड मैंने कहा यहाँ पर ई कितनी बार, तो ये मुझे ई की काउंटिंग बताएगा कि बहन ई चार बार है. लेट सपोज कि मैं इसमें कैपिटल ई दे देती हूँ, लेकिन अब ये तो एस्काई पर काम करेगा, है ना, इसके लिए तो अलग अलग है, ये इसकी एस्काई अलग है, इसकी एस्काई अलग है, तो उस बेसिस पर आपको आंसर करेगा. ठीक है, तो ये छोटू ई को ही काउंट करेगा, पहली चीज. अब दूसरी चीज ऐसी हो गई कि जैसे मैंने इसको कहा कि तुम दो दो नहीं, तुम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तुम 9 नंबर इंडेक्स से काउंट करना शुरू करो, तो ये अब देखो मेरे को क्या बताएगा, दो. इसका मतलब क्या हुआ, एवरीबॉडी लुक एट हियर व्हाट वी हैव डन गाइस, इसमें देखो क्या हुआ. मैंने कहा नो नंबर इंडेक्स से आपको शुरू करना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने कहा यहां से लेके यहां तक, क्योंकि यहां से क्या हो रहा है स्टार्ट, कितने ई आ रहे हैं काउंट करके बताओ, तो एक दो, दो ही ई थे. ठीक है, तो वो आपने काउंट करके बता दिया. ठीक है, अब हमें पता है कि 8 नंबर इंडेक्स पर आपके पास में ई था, तो मैं अगर 8 दूंगी तो ये इसको इंक्लूड बिल्कुल करेगा. अब जैसे मैंने कहा 8 से लेकर के 10 नंबर इंडेक्स तक मुझे ढूंढ करके बताओ कि ई कितनी बार, 8 से 10, तो लास्ट वाला इसके लिए क्या हो गया, इंक्लूड या एक्सक्लूड, ऑफ कोर्स एक्सक्लूड. तो मैंने कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 8 और 9 नंबर इंडेक्स जिस पर ई और जे है,
यहां से काउंट करके बताया कि ई कितनी बार है, दैट इज कमिंग ओनली वंस. तो 10 नंबर इंडेक्स पर आपको पता है कि आपके पास में था ई, लेकिन 10 को इसने एक्सक्लूड किया है. ठीक है, तो काउंट के अंदर क्या हो गया आपके पास में, क्या ढूंढना है, किसमें से मतलब स्टार्ट कहां से करना है ढूंढना. अगर एंड नहीं दिया तो लास्ट तक चलेगा, एंड पॉइंट भी आप यहां पर दे सकते हो. ठीक है, तो ये किस्सा आपको याद रखना है इस केस के अंदर. Returns the number of times a substring occurs in the given string. If D do not give start, तो वो शुरू से लेके लास्ट तक ढूंढेगा, बट आप इसमें शुरू के और लास्ट के इंडेक्स दे सकते हो. जैसे मैंने इसमें लिखा हेलो ढूंढ करके बताओ, 12 से लेकर के 25 यानी कि 24 नंबर इंडेक्स, तो यानी कि 12, 13, 14, 15. इस इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू में वो हेलो ढूंढ करके दे. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास में क्या आया, आपने कहा 12 से लेकर के 14 नंबर इंडेक्स. ठीक है, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, तो यहां से उसने ढूंढना शुरू किया एंड आपके पास में देखो 12 यहां से देखो सारे आगे उसके पास जहां तक भी था. सॉरी हेलो था ना, हेलो एक ही बार आया तो हेलो इसने एक बार दे दिया. अब देखो इसने देखो इस हेलो को इंक्लूड क्यों नहीं किया होगा, वो इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि ये देखो 13, 14, 15, 16, 17, फिर 18, 19, 20, 21, 22. हाँ, इसको करना चाहिए. हाँ, तो कर नहीं रहा है, तभी तो दो आया आपके पास में आंसर, है ना. मैंने भी ध्यान नहीं दिया, द आंसर इज कमिंग दो, है ना. तो यस, दो बार है आपके पास, है ना. अब जैसे मैंने कहा हेलो वैसे काउंट करके बता दो, तो वैसे तीन बार है. तो ये आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी है जो बेसिकली दे सकते हो. अब आप करते हो, आपके पास में आता है फाइंड. अब ऊपर वाले में क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग कितनी बार आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ विच इज अक्रेंस ऑफ फर्स्ट इंडेक्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड का यहां पर एग्जाम्पल लेती हूँ, FIND फाइंड. तो अब मैंने लिखा यहां पर ई. अब देखो ये क्या है कि ई से पहली मुलाकात इसकी कितने नंबर इंडेक्स पर हो रही है, तो ये आपको वो आंसर करेगा. इसके साथ ही मैं आपको एक और फंक्शन बताती हूँ जिसका नाम है पी डॉट इंडेक्स, और मैंने उसमें सेम चीज लिखी. ठीक है, दोनों को बड़ी तसल्ली से समझना, दोनों में दो अंतर है वो मैं बताऊंगी. ओके, सो दोनों से आपको आंसर आ रहा है 8. ऐसा क्यों आ रहा है 8 आंसर, आप इस चीज को समझिए. एक सेकेंड, कंट्रोल, हर चीज में कंट्रोल जेड नहीं होता ना. वैसे अपने इसको इसको क्या ही लेने की जरूरत है, स्क्रीनशॉट ही ले लेते है ना. अब अच्छा इसको समझो, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूं, दोनों में अंतर समझ में आ जाए. फाइंड ई, तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसका आंसर इज कमिंग 8, कि ई से मेरी पहली मुलाकात 8 नंबर इंडेक्स पर हुई. इससे भी तुम्हें यही आंसर, क्योंकि दोनों का काम ही यही है. सुपर क्यूल खेल. अब हम चलते हैं यहां पर. अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा कि तुम 8 नंबर इंडेक्स से ढूंढना शुरू करो कि ई से पहली मुलाकात कहां पर होती है, जैसे काउंट में हुआ था. तो इन्होंने 8 से ढूंढना शुरू किया, तो 8 पर इसको ई मिल गया. ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, 9 नंबर इंडेक्स से ढूंढना शुरू करते हैं कि वहां से ई से पहली मुलाकात कहां हो रही है. तो इसके पास 8, 9 और 10 नंबर इंडेक्स पर इसकी मुलाकात हो गई. हो गई, सुपर कूल. तो आपके पास क्या है, 10, 11, 12. ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ तुम मुझे ऐसा करो कि मुझे 12 नंबर इंडेक्स से ढूंढना शुरू करो. ठीक है, आपको पता है छोटा ई और बड़ा ई दोनों में अंतर है, तो मैं इसमें छोटा ई ही लगा देती हूँ. तो आपके पास में ये 10, ये 11, 12 यहाँ से ढूंढना शुरू होगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 21 नंबर इंडेक्स देती हूँ. अब ऑफकोर्स अगर आपको काउंट अभी याद होगा तो ये 20 तक चलेगा, ये चीज है ना. यस, तो 20 नंबर इंडेक्स पर आपके पास ई है. तो मतलब क्या तुम ये समझ लगा रहे हो कि अगर मैं यहाँ 20 देती तो बिल्कुल आपके पास में नहीं मिलता उसको. और यहीं से इसका एक डिफरेंस आपके सामने आता है, दैट इज कि अगर मैं इस दो नंबर लाइन की बात करूं यानी कि फाइंड की, अगर उसको फाइंड नहीं होता ना तो ये आपको -1 रिटर्न करता है, और वहीं पर
इंडेक्स में अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है जो आप ढूंढना चाहते हो, तो ये आपको एक वैल्यू एरर रिटर्न करता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि ई को ढूंढना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है. यहाँ पर जो भी आप लिखोगे उससे ठीक कम तक चलेगा. अगर ये चीज क्लियर है तो मैं इन सबको एक बार इरेज कर देती हूँ और इस अंतर के बारे में बताती हूँ जो अंतर मैं आपको अभी बता रही हूँ जिसमें एरर आई. ठीक है, ओके. तो मैं इसमें भी मान लो एक पी टी ऐसा ढूंढ रही हूँ कि पी टी कहाँ पर है. अब देखो फाइंड में ऑफकोर्स वो चीज नहीं मिलेगी तो ये माइनस वन रिटर्न करेगा, बट यहाँ पर आपको एक वैल्यू एरर आ जाएगी. तो ये दूसरा बड़ा अंतर है इन दोनों के अंतर. तो आप कहोगे पहला अंतर क्या था? पहला अंतर है कि ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन है और दूसरा ये क्या है कि ये स्ट्रिंग ट्यूपल और आपके स्ट्रिंग ट्यूपल और लिस्ट के साथ काम कर जाता है इंडेक्स फंक्शन. तो जब आपको खाली स्ट्रिंग से काम करना तो यू डू विद फाइंड फंक्शन. और बाकी ये जब इसको वो आइटम मिलती नहीं है तो ये माइनस वन रिटर्न करेगा और ये क्या रिटर्न करेगा, ये वैल्यू एरर आपको दे देगा. समझ में आई बात? ठीक है, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, ओके. तो अब इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो आपने कहा फाइंड करो किसको, हेलो को, लेकिन आप 10, 11 इससे लेकर के 19 नंबर इंडेक्स के बीच ही ढूंढोगे. तो हेलो से एच से जब पहली मुलाकात हुई कब हुई, 13 नंबर इंडेक्स पर, तो इसने वो आपको दे दिया. अब आपने खाली अगर पूछ लिया हेलो, आपने ना स्टार्टिंग बताई ना एंडिंग बताई, तो ये शुरू से ही ढूंढेगा और उसको 0 नंबर इंडेक्स से ही हेलो मिला. ठीक है, अब आपने कहा ही, तो अब मतलब इसको वो मिला नहीं इंडेक्स, तो ये माइनस वन रिटर्न कर देगा. ठीक है, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये आपको माइनस वन रिटर्न कर देगा. ये चीज क्लियर है? अब आप करते हो इंडेक्स, जो कि मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ. इन दोनों में क्या अंतर है? ये आपका फाइंड की तरह ही है. ये आपका स्ट्रिंग के साथ भी काम हो जाएगा, लिस्ट से भी और ट्यूपल से भी, बट फाइंड आपका सिर्फ स्ट्रिंग का फंक्शन है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मान लो मैं हेलो ढूंढना चाह रही हूँ तो ऑफकोर्स अगर फाइंड लगा होता तो उससे भी जीरो आंसर आ रहा होता है ना. अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को ढूंढना चाहा जो मौजूद नहीं है, तो आपको ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा विच इज वैल्यू एरर. ठीक है, सुपर कूल है. अब एंड्स विद और स्टार्ट्स विद दोनों को एक साथ देख लेते हैं बिकॉज दोनों का काम थोड़ा थोड़ा सेम है. एंड्स विद देखेगा कि ये चीज इससे एंड हो रही है कि नहीं हो रही है, और स्टार्ट्स विद देखेगा कि वो चीज उससे स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है. तो चलिए कहानी अब दोबारा शुरू करते हैं और यहां से करते हैं जहां से हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी, एंड्स विद की. ठीक है, सो एंड्स विद और स्टार्ट्स विद, नाम से क्या चीज समझ में आ रही है, क्या चीज पता चल रही है? एंड्स विद मतलब किस से एंड हो रही है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको करके देखते हैं. वी हैव STR1, तो हेलो वर्ल्ड. I said STR1.ends with, मैंने कुछ लिखा और इसका आंसर कुछ ट्रू आया क्योंकि इसी से एंड हो रहा था. लेट सपोज इफ आई एम गिविंग IDE समथिंग एल्स, तो ये इससे तो खैर एंड नहीं हो रहा है तो इसलिए आपके पास में फॉल्स आया. वही चीज स्टार्ट्स विद के साथ में होगी कि वो चीज स्टार्ट किससे हो रही है. दोनों ही आपके पास में स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, तो चलिए इनको रन करके देखते हैं और दोनों फंक्शंस आपको ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर देंगे. एंड्स विद क्या कर रहा है कि वो चीज एंड हो रही है कि नहीं, और स्टार्ट्स विद स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो लेट सपोज आई हैव स्ट्रिंग. अब मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई साहब, या फिर अपने अगर एक पी मैंने लिखा पी डॉट एंड्स विद किसके साथ में, ऑन के साथ में. ठीक है, अगर ये बात सही है तो आप क्या कर दो, प्रिंट यस, अदरवाइज क्या कर दो, प्रिंट नो. ठीक है, सो अब अपने क्या करते हैं, इसको रन करते हैं. सो आर आंसर विच इज कमिंग, अब ऑफ कोर्स पाइथन इज अ केस सेंसिटिव. ठीक है, बड़े और छोटे ए बी सी डी ऑफ कोर्स, तो आपके पास में नो आएगा. ठीक है, अब मैंने कहा एंड्स विद, अब वही चीज अगर मैं कर लूंगी स्टार्ट्स विद के साथ में, तो ऑफ कोर्स यहां तो नो ही आंसर आएगा बिकॉज ये फॉल्स स्टेट कर रहा होगा. बट लेट सपोज इफ आई एम गिविंग आई स्पेस लव, तो क्या ये इससे शुरू हो रहा है? यस, आप सिंगल एक कैरेक्टर को भी देख सकते हो और एक मल्टीपल स्ट्रिंग को भी देख सकते हो. मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई ज्यादा समय बिताने की जरूरत है. Is a l num, ठीक है, तो जिस भी फंक्शन के आगे आपके पास is लगा हो, क्योंकि तो हम लोग ये
इज लोअर और इज अपर ये अभी कर चुके हैं, तो आपको बता दें कि जिस भी फंक्शन के आगे इज लगा हो तो वो आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर जरूर रिटर्न कर रहा होता है. खैर, इज अल्फा न्यूमेरिक, नाम से समझ में आता है कि अल्फाबेट या फिर 1, 2, 3. तो ये स्ट्रिंग का फंक्शन है. लेट सपोज कि मैं यहाँ पर प्रिंट करूं, मैंने कहा पी डॉट इज एल नम, एक सेकेंड रुको, इज एल नम कहाँ है, ये रहा, इज एल नम था या इज अल्फा था, नम था शायद, हाँ. तो इज एल नम जो फंक्शन है ना, एक सेकेंड, इज एल नम जो फंक्शन है आपका, वो फंक्शन आपको ये बताता है कि अल्फा और न्यूमेरिक है कि नहीं. एक फंक्शन आएगा इज अल्फा, ठीक है, जो कि मैं अभी, चलो पहले मैं इज अल्फा बता देती हूँ, ठीक है, ये पता चल गया इज अल्फा, क्या पता चला, बताते हैं. ये बताएगा कि भाई ये जो पूरी स्ट्रिंग है क्या ये अल्फाबेट है. आपको आंसर फॉल्स क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर गिविंग हेयर स्पेस ऑल्सो, ठीक है. सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग ट्रू, ठीक है. लेट सपोज इफ यू आर पुटिंग देयर स्मॉल ए बी सी डी और 1, 2, 3, तो ऑफकोर्स ए बी सी डी के अलावा कुछ भी आएगा तो इसको फॉल्स कंसिडर करेगा. लेट सपोज कि इज अल्फा की जगह मैं इज डिजिट फंक्शन दे देती हूँ, ठीक है. तो डिजिट फंक्शन भी आपको यही काम करेगा कि डिजिट बताएगा. अब इसमें फॉल्स आ रहा है बिकॉज आपने अल्फास भी दे रखे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी ट्रू, ठीक है. एक और फंक्शन है इज न्यूमेरिक करके भी है एक, वो भी आपको सेम ही काम करके देता है जो डिजिट करके देता है. अब इसी से बना है एक इज एल नम फंक्शन जो कि अल्फा न्यूमेरिक है. तो इसमें अगर ए बी सी डी और 1, 2, 3 है तब इसका आंसर ट्रू आएगा. लेट सपोज कि यू आर गिविंग देयर स्पेस 2, अब इसको दिक्कत हो जाएगी, योर आंसर विल बी फॉल्स है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? चलिए अब इस पर एक प्रोग्राम करते हैं कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या फिर यूजर एक स्ट्रिंग एंटर करेगा, ठीक है. आपके पास किस तरीके से चीजें आ सकती है, तो मैंने कहा एंटर अ स्ट्रिंग, तो यूजर विल एंटर अ स्ट्रिंग, सुपर कूल, ओके. जब यूजर हमारा एक स्ट्रिंग एंटर करेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रिंग एन पी, हम उस स्ट्रिंग के बेसिस पर ये जज करेंगे कि इफ, अगर आई की वैल्यू इज अल्फा है तो आप क्या करो, यहां पर उस अल्फा को प्रिंट करते जाओ, ठीक है, या फिर आप ये देखो कैलकुलेट कर लो कि अल्फा कितना है, ठीक है, राइट. और अगर ऐसा है कि एलिफ आई डॉट इज डिजिट है तो आप डिजिट को प्लस कर दो, ये दोनों ही ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं और क्या था, डिजिट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो मैं यहां पर कहूंगी प्रिंट टोटल अल्फाज कितने हो गए आपके पास अल्फा, एंड प्रिंट टोटल डिजिट कितने हो गए आपके पास में इतने, ठीक है, राइट. सो अब अगर कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा, ना ही तो आपके पास में आंसर आ जाता है. जैसे मैंने कहा यहां पर टाइगर जिंदा है और 1, 2, 3, और मैंने, हाँ ये देखो हैश वैश भी डाल दिया. सो नाउ ये टोटल 13 है, ये टोटल 18 है. अगर आप हैश वैश को भी देखना चाहते थे तो आप यहाँ पर एल्स डाल देते, है ना. सो प्रिंट प्रिंट करने से पहले आप अदर करके, अदर प्लस इज इक्वल्स टू 1, एंड आप कहोगे ओके, तो आप अदर को यहां प्रिंट कर दो, अदर को यहां डिक्लेयर भी कर लो, ठीक है. सो नाउ इफ यू आर पुटिंग हेयर समथिंग, कुछ भी, एक सेकेंड, तो मैंने कहा कोमल, स्पेस दिया है मैंने 1, 2, 3, एंड स्पेस दे करके स्टार दिया है, तो मेरे पास एक
दो और तीन अदर चीजें हैं और तीन डिजिट हैं और बाकी बचा हुआ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप ऐसे कर रहे हो, राइट। अल्फा न्यूमेरिक भी कर सकते थे, अगर आपको एक साथ देखना है तो एल नम यहाँ पर लगाते हैं हम फंक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। बस ऐसे इनका यूज करते हैं। इज लोअर फंक्शन अभी अभी हम लोग कर चुके हैं। इज अपर दैट ऑल्सो वी हैव डन। इज स्पेस, स्पेस क्या है कि भाई स्पेस को काउंट करके देगा। ठीक है, तो जैसे कि इसी प्रोग्राम के अंदर अगर मुझे ये काउंट करना है क्या कि स्पेस कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती, स्पेस कितने स्पेस हैं, है ना। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जैसे कि मैं इसको रन करती हूं, बट उसके लिए इस स्पेस को लगा दें। ठीक है, तो मैंने कहा माई नेम इज डॉन, तो तीन स्पेस आपके पास में है। ठीक है, सो स्पेस टू कैलकुलेट द स्पेस। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे यहां पर अगर मैंने कहा दे दिया स्लैश एन डॉट इज स्पेस, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मुझको ये ट्रू बताएगा। लेट्स सपोज इफ यू आर पुटिंग देयर टी, सो देन ऑल्सो इट्स आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव रिटन समथिंग, तो समथिंग का आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, सो दैट इज आई गेस स्लैश टी स्लैश आर इज स्पेस बताएंगे, अगर कुछ भी आप बीच में से देते हो ए बी सी डी 1 2 3, तो नौ ही होगा। ठीक है, इज टाइटल आई गेस वी हैव डन, आई गेस इज टाइटल था क्या, शुरू शुरू वाला क्या था, क्योंकि याद नहीं है मैंने पता नहीं कितने टाइम पहले ये लेक्चर शूट किया था। दैट वाज टाइटल। अब इज टाइटल करना है, दो फंक्शन है टाइटल और इज टाइटल। ठीक है, इसके आगे जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू और फॉल्स में। ये चीज क्लियर है ना, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इसका मतलब है योर आंसर विल बी ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो इज टाइटल, भाई जो टाइटल है क्या वो टाइटल को फॉलो कर रहा है, अगर हाँ क्या रूल क्या बताए थे, रूल वॉज दिस कि जब भी कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो इट मस्ट बी अ कैपिटल। ठीक है, तो ट्रू बताएगा अदरवाइज फॉल्स। लेट सपोज कि इफ यू आर सेइंग दैट माय नेम इज लखन, है ना, तो इज टाइटल, तो ऑफ कोर्स फॉल्स आएगा, द रीजन बिहाइंड दैम दिस आई, सो इफ आई एम गिविंग दिस ट्रू। इवन अगर मैंने यहाँ स्टार देख करके इसको छोटू कर दिया या तो भी मेरे पास फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी नॉट ओनली नॉट नॉट इवन स्पेस, बल्कि आप कोई भी और भी स्पेशल सिंबल 1 2 3 भी करते हो, तो जहां से ए बी सी डी शुरू हो रही है इट मस्ट बी कि हर वर्ड कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दैट ये होना चाहिए इसके अंदर, मतलब दिस इज मैंडेटरी। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और स्ट्रिप तीनों को एक साथ करते हैं। अब ये हमने उसमें एसक्यूएल में पढ़ा था ट्रिम फंक्शन, ये वही है। ठीक है, जो हमने वहां पढ़ा था एसक्यूएल के अंदर। तो ये क्या करता है, स्पेस देखेगा दोनों साइड्स के। ठीक है, कि जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके लिए बेटर है कि पी इज इक्वल टू मैंने यहां पर किया है ना, तो अब मैं क्या कर रही हूं, मैंने कहा पी डॉट एंड एल ट्रिम, तो ये क्या करेगा मेरे को लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करके बता देगा। ठीक है, वन सेकेंड, एल ट्रिम सॉरी स्ट्रिप था, दैट्स माई बैड। हाँ ठीक है, आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। ठीक है, सो द लेफ्ट साइड स्पेसेस दैट विल बी रिमूव्ड, सुपर क्यू। ओके, सो इफ वी हैव राइट साइड में स्पेस वो रिमूव नहीं होंगे। अब आप कहोगे ओ मैम हमें कैसे दिखाई देगा, इट्स ओके, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली पुट इट इनसाइड अ लैन फंक्शन।
तो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है? अब इसको प्रिंट लैन पी, तो आप ऐसे करके देख लो, ठीक है? तो इसमें 18 है, इसमें 16 है। अगर आप इसमें आर स्ट्रिप करते हो तो राइट हैंड साइड का स्पेस रिमूव करके देगा, ठीक है? राइट। और अगर आप ना तो एल करते हो ना आर करते हो, आप स्ट्रिप करते हो, तो इट मीन दोनों साइड का स्पेस रिमूव हो, ठीक है? दैट इज मेनली एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट एंड स्ट्रिप फॉर बोथ, ठीक है? अगर मान लीजिए अब अपने इसके अंदर मैं दे देती हूँ ऑन, और ऐसे स्पेस को एक बार रिमूव करते हैं, एंड लेट सपोज आई एम गिविंग कैपिटल ऑन एज इट इज, है ना? तो बेटर रहेगा कि अपने इसको लेंथ ना करते हुए एक बार प्रिंट कराते हैं, ठीक है? सो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो दैट मीन्स कि इफ यू आर गिविंग समथिंग इन साइड, तो वो लेफ्ट साइड से स्ट्रिप है तो लेफ्ट और राइट दोनों से देखेगा, ठीक है? अगर मैंने एल कर दिया तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड का देखेगा, इधर वाला नहीं देखेगा, इसलिए ऑन आ गया, ठीक है? और अगर मैंने आर कर दिया तो वो राइट साइड का देखेगा और उसमें से ऑन रिमूव कर देगा, ठीक है? लेट सपोज यू वॉन्ट टू रिमूव हेयर ये ओम, ठीक है? तो भी मेरा रिमूव नहीं होगा बिकॉज आई हैड गिवन देयर आर। लेट सपोज यू आर गिविंग देयर एल, तो इट मीन्स योर आंसर विल बी यस, ये रिमूव हो जाएगा। बट अगर आप ना एल दे रहे हो ना आर दे रहे हो तो वो दोनों साइड से चेक करेगा, और उसको दोनों साइड से मिलता है तो वो रिमूव कर देगा, ठीक है? राइट। अब इसमें ऑन है, ओम नहीं है, राइट? अगर मैं मान लीजिए ऑन दे देती हूँ और मैं यहाँ पर एंड डाल देती हूँ, ठीक है? अब मैं स्ट्रिप दे रही हूँ ना, हाँ ठीक है। अब मैं इसको करने की कोशिश करूंगी तो यस, ऑन इसने रिमूव कर दिया, एंड था नहीं, ठीक है? राइट। और अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए स्पेस दे दिया तो ये स्पेस भी रिमूव होता, स्पेस के बाद में मान लो मैं ओ दे देती हूँ छोटे वाला, अब मैं इसको करूंगी तो ये ओ स्पेस ओ एन, तो इसने क्या किया, ऑन रिमूव कर दिया, स्पेस भी है इसके अंदर, एन भी है देखो, और छोटा ओ भी है, ठीक है? अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर भी एन 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 डाल देती हूँ, तो ये इसको भी मेरा बेसिकली रिमूव कर दे, ठीक है? अब मैं मान लीजिए यहाँ पर एन डालती हूँ तो मेरा ये एन रिमूव नहीं होगा बिकॉज इसमें एच नहीं है, अब मेरे को एच देना पड़ेगा तो जाकर के ये मेरा एच यहाँ से हटाएगा, ठीक है? ये स्ट्रिप है, आर भी ऐसे ही काम करेगा, राइट साइड से रिमूव करेगा, खैर वो भी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर एल करती हूँ तो वो नहीं करेगा, एल से आपका सिर्फ ओ रिमूव हो जाना चाहिए, ठीक है? और अगर मैं इसमें एम भी दे देती हूँ और कैपिटल पी भी दे देती हूँ, एल स्ट्रिप है तो लेफ्ट साइड से स्पेस पी ये सब रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ओके। सो आपके पास में ओ रिमूव हो गया, एम रिमूव हो गया, स्पेस ये हो गया, वाई से आया, ठीक है? राइट साइड का छेड़ा भी नहीं उसने बिकॉज आपने एल लगा रखा था। अगर आप देखो एल स्ट्रिप को हटा देते हो और आप इसको रिमूव करते हो तो आपके पास ये देखो ये वाई टी है, क्योंकि वो इस गिवन स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। अब लेट सपोज कि मैं यहीं पर वाई डाल देती हूँ तो ये सिर्फ एन को रिमूव करेगा राइट से, है ना? ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रिप और एल स्ट्रिप काम करेगा, राइट? अब बेसिकली हम इसको स्पेस रिमूविंग के लिए यूज करते हैं, बट इफ यू आर पुटिंग अ स्ट्रिंग इन साइड दैट, तो ये फिर उस तरीके से भी काम करेगा। ओके। सो रिप्लेस, नाम से काम समझ में आता है कि आप रिप्लेस करा रहे हो किसी पर्टिकुलर, रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। ओके, ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग, एक सेकेंड, ठीक है? तो आपको बोले तो मांगता है बॉस कि आपको ओ को स्टार बनाना है, ठीक है? रिप्लेस कर रहे हो आप। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वी शुड डू ऐसा, ठीक है? तो आपके पास में रिप्लेस, अब यहां पर मैंने कहा कि मुझे पाइथन को रिमूव करना है, बहन हमारी जावा के साथ। सो या ओके, सुपर कूल। अगर मैंने कहा ओ को रिमूव कर दो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में बोला है स्टार, ठीक है? सो लाइक हाउ ऑल दी अकरेंस आर दैट आर, ठीक है, रिप्लेस्ड। तो आप किसी वर्ड को भी करा सकते थे, ठीक है? तो मैंने कहा हेलो वर्ल्ड को, बाय वर्ल्ड, ठीक है? ओके। सो ज्वाइन, ज्वाइन बोले तो बॉस स्ट्रिंग का फंक्शन है। अब ये ज्वाइन कराता है कैसे? ओके, दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करेगा। यू हैव अ स्ट्रिंग, यू हैव अ स्ट्रिंग, मतलब दो स्ट्रिंग ही नहीं, ट्यूपल भी होगा। मैं बताती हूँ, देखो क्या चीज है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर कर देती हूँ ज्वाइन, एंड आई एम पुटिंग देयर
एंड पी को स्टार्ट. अब देखना मैजिक आप देखिएगा, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्ट्रिंग के साथ काम करेगा. ठीक है, अब देखो आई लव पाइथन. अब देखो यहां पर मैं स्ट्रिंग के अलावा कुछ और भी दे सकती हूँ. लेट सपोज इफ आई एम गिविंग ए, इफ आई एम गिविंग बी, इफ आई एम गिविंग सी. सो ए स्टार बी स्टार सी. लेट सपोज इफ दिस इज अ ट्यूपल देन ऑल्सो इट विल डू. ठीक है, बट ये फंक्शन स्ट्रिंग का है, इट इज वर्किंग विद द स्ट्रिंग. यू कैन सी हियर वी हैव अ, ये स्ट्रिंग है, उसके साथ ज्वाइन कर रहे हो आप इसको. ठीक है, राइट. अगर मैं यहाँ पर ऐसा देती हूँ, मैंने दिया कोमल, तो के स्टार ओ स्टार कोमल. ठीक है, सो लाइक हाउ दिस इज कम. तो आप ऐसे मतलब दो स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, मतलब है ना. ठीक है, तो इस तरीके से आप पार्टीशन 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 के साथ एक और फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन दिया नहीं, अरे हाँ सामने तो दिए है ना. तो पार्टीशन और स्प्लिट, ये ट्यूपल में आंसर करता है, रिटर्न ये लिस्ट में करता है. ये आपको मैक्सिमम तीन पार्टीशन करके देता है. पहले इसको पढ़ते हैं, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है. ये केवीएस के पेपर में भी आ रखा है, अभी जो हुआ था आप लोगों को याद आ गया होगा पार्टीशन. ठीक है, ओके. पार्टीशन हैज गिवन स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग सेपरेटर एंड रिटर्न्स द स्ट्रिंग पार्टीशन इनटू थ्री पार्ट्स. तीन पार्ट के अंदर आपको आंसर देता है, सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर, सेपरेटर एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर. ओ ओ भाई साहब, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं. ठीक है, मैंने कहा कोमल लव थायथान. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अंतर भी बता देंगे दोनों में, टेंशन ना लो तुम. ठीक है, पार्टीशन. ठीक है, अब मैंने दिया यहां पर स्पेस. ठीक है, अब ये टोटल आपको पार्टीशन करके देगा तीन. ठीक है, तीन कैसे, पहला स्पेस से, मतलब स्पेस से पहले फर्स्ट अकरेंस, मतलब पहले तो आपके पास आएगा कोमल, फिर आएगा स्पेस, फिर आएगा लव पाइथन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, सो ये इस तरीके से तीन देगा. अब जैसे मैंने मान लो इसके अंदर दिया एल, तो एक एल से पहले एक खुद एल और एक दूसरा एल के बाद. अब आप कहोगे कि यहां पर एक और एल होता, कोई बात नहीं, उसको भी इंक्लूड ही नहीं करता, उसके लिए पहली अकरेंस ऑफ एल, एक एल से पहले एक एल के बाद और एक एल खुद, तो ये तीन में डिवाइड करता और इसका आंसर हमेशा ट्यूपल में आता है. और इसकी एक खास बात है कि अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं दोगे तो ये आपको एरर दे देगा. लेकिन एक और फंक्शन है हमारे पास में जो कि स्प्लिट है, उसको हम करेंगे तो ये आपको एरर देगा. लेकिन एक और फंक्शन है दैट वी हैव अ स्प्लिट फंक्शन. ठीक है, अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं देते हो तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस को स्प्लिट करेगा. मतलब एक तरीके से ये स्पेस है, जैसे आपका आंसर इसमें क्या आएगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल, तो ये स्पेस को क्या करेगा, कॉमा बना देगा, बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिटिंग करेगा. ठीक है, तो इस तरीके से स्पेस से इसने स्प्लिटिंग की, तो आपका आंसर इज कमिंग गिवन. ठीक है, अब लेट सपोज कि इफ यू आर पुटिंग इनसाइड ओ, तो जहां जहां इसको ओ दिख रहा है ना, ये उसको खा जाएगा वहां, मतलब ओ की जगह कॉमा, जैसे स्पेस की जगह कॉमा वैसे ओ की जगह कॉमा. ठीक है, तो आपके पास में के कॉमा, मतलब ये लिस्ट में आंसर करके दे रहा है आपको, जहां जहां ओ है वहां उसने रिमूव करके आपको उसके पार्ट, मतलब अलग अलग स्प्लिट कर दिया उसको. समझ आ रही है चीज, क्या चीज हुई है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग देयर कॉमन आई थिंक ई. ठीक है, सो द वन दैट इज, ये आंसर आएगा आपके पास, एक सेकेंड, आपके पास आएगा कोमल, कोमल, देन यू विल फाइंड देयर कॉमा. अब अगली अकरेंस ऑफ ई कहां पर मिल रही है, यहां पर, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. ठीक है, तो ये लास्ट है, तो ये लास्ट वाले को भी बना सकता है. ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर मैं कोमल दे देती तो आपके पास में कोमा एंड कोमल आ रहा होता. ठीक है, ये लास्ट वाले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहां पर दो क्यों नहीं आ रहे, मैं बताती हूँ क्या. तो ये चीज समझ में आए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए डबल ई आ रहा है. ठीक है, अब अगर आप करोगे ना तो ये डबल ई का भी अलग से करेगा, ये एक को तो स्प्लिट कर देगा लेकिन फिर दो को नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको शो भी नहीं कर पा रहा हो. ठीक है, सो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पर तीन दे दिए तो ये एक का तो कर लेगा लेकिन एक से ज्यादा. ठीक है, तो ये तीन का, अब एक एक सेकंड इसमें मैं एक दो एक और दे देती हूँ ई, तो आपके पास में एक दो और एक और ऐसे नल आना चाहिए, है ना. एक एक और चीज करके देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
What I'm doing, I'm just using their lan function. So yeah, the 6 which has come. Why? Because agar मतलब क्या है, मैं 6 इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि ये इसको भी काउंट कर ही रहा है. देखो वो एक को तो उसने स्प्लिट कर दिया, वाकई वो स्प्लिट नहीं कर सकता लेकिन उसको दिखा जरूर रहा है. ठीक है, और एक और आपको लास्ट वाला केस ध्यान रखना पड़े, लास्ट वाला भी और पहले वाला भी. जैसे आई एम पुटिंग देयर ही ई, जिसे आप स्प्लिट करो बेसिकली, तो ये उसको भी आपको अलग से दे रहा हो. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. बाकी आप इसको जब करोगे ना तो आप आराम से दिमाग में एंटर हो जाएगा. ठीक है, तो पार्टीशन आपको ट्यूपल में आंसर करेगा या आपको लिस्ट में करेगा. इसमें अगर आप पैरामीटर में कुछ नहीं देते हो तो ये आपको स्ट्रिंग सॉरी ये आपको एरर दे देगा, और ये अगर आप पैरामीटर में कुछ नहीं देते हो तो ये बाय स्पेस के थ्रू सेपरेशन कर देगा. ठीक है, ये कहता है कि इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग, तो ये आपको पूरी स्ट्रिंग, एक सेकेंड ये नहीं करके देखा ना, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कुछ ऐसे ओपी ओपी लिख दिया तो आपके पास वो एक सिंगल आ रहा है. अगर यही पर मेरे पास पार्टीशन होता तो भी यही आना चाहिए, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल. ठीक है, सो ओके, तो एक सेकेंड, इसमें इसने लिखा हुई हुआ है कि इफ द सेपरेटर इज नॉट फाउंड द स्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग इट रिटर्न द होल स्ट्रिंग इट सेल्फ एंड 2 एम्प्टी स्ट्रिंग. ठीक है, इसीलिए आपके पास में ये आंसर आया कि इसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 3 ही होगी. ये भी एक अच्छी चीज है जो आपको मतलब पता चली है. हाँ, मैंने भी कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि इसकी लेंथ हमेशा ही 3 होगी, है ना. ये क्वेश्चन बन सकता है, एंड ये मैं अपने स्टूडेंट्स को तो पक्का देने वाली हूँ. हाँ, क्योंकि वो होता है ना, क्या मतलब मैंने इसको होता है ना कि कभी आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो या पढ़ भी रहे हो तो आपने कि इसकी इट इज़ फिक्स्ड द लेंथ विल बी 3. ठीक है, सो दैट याद रखना होगा अपने को. ठीक है, ओके, सो अब हम आगे की चर्चा करेंगे हैंडलिंग स्ट्रिंग. ठीक है, और इसके अंदर खाली आपके पास खाली प्रोग्राम्स ही हैं, फिर भी मेरे को लगेंगे जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल मैं आपको करा रही हूँ. एंड ये हमारे फंक्शन सारे के सारे बाय बाय होते हैं. तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में. यस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस. ठीक है, दोस्तों के साथ में आप जितना हो सकता है उतना शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी हम इस चैनल को बहुत बहुत ग्रो है जो करें. ठीक है, इसमें मेरी हेल्प है जो आप लोग हैं जो बेसिकली कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चैनल पर हो रही हैं, पूरी कोशिश करती हूँ कि ज़रा सा भी टाइम है जो वेस्ट ना हो किसी का भी, और चैनल पर बिल्कुल एक ऑथेंटिक जो कह सकते हो ना कंटेंट, उसको डालने की कोशिश की है. राइट, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय. डू सब्सक्राइब द चैनल.